मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में महानगर के वरिष्ठ चिकित्सकों की बैठक सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि कोविड-19 वायरस की वैश्विक महामारी से विश्व के सभी देश प्रभावित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकना ही इसका एकमात्र इलाज है। ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें हम सबको मिलकर इस जंग को जीतना है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को आम जन छिपाए नहीं, क्योंकि इसे छिपाना बेहद घातक होगा। इसके लक्षण देखते ही तत्काल चिकित्सक को दिखाएं। उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करने पर बल देते हुए कहा कि टेली मेडिसिन को और प्रभावी करने की आवश्यकता है। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने चिकित्सकों से कहा कि लॉकडाउन समाप्ति के पश्चात जो ओपीडी प्रारंभ होगी तो सोशल डिस्टेंस का पूरा इंतजाम होना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण पर बल देते हुए अफवाहों पर ध्यान ना देने तथा साबुन से हाथ धोने, मास्क का प्रयोग करने पर बल दिया। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इस जंग को जीतने हेतु पूरी तैयारी की गई है। ये जनपद ग्रीन जोन में है और इस जनपद को कोरोना मुक्त बनाए रखना तथा कोरोना को भगाना इसी संकल्प के साथ तत्पर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने बताया कि अब तक कुल 346 टेस्ट हुए हैं तथा 84 चिकित्सक टेली मेडिसिन की सेवाएं दे रहे हैं और 1106 डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ आदि का प्रशिक्षण भी दिया गया है। बैठक में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, एसपीसीटी डॉक्टर कौस्तुभ, एडी हेल्थ एवं एयरफोर्स एसएसबी के चिकित्सक, आईएमए के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, सीएससी पीएससी प्रभारी सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। प्रिंसिपल डीआरडी एनी सर और आईएमए के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और भी पार्टिसिपेंट्स जो ऑनरेबल मेंबर्स आए हैं, लड़ रहे हैं कोरोना से। पूरा देश लड़ रहा है कोरोना से, अभी भी ग्रीन जोन में है। ये हम सबके एफर्ट और हम सबका एक साथ मिलकर काम करने का द्योतक है। सेक्टर के हूँ, एकदम से अलर्ट रहना है। यू नेवर नो किस मोमेंट कितने केसेस गोरखपुर में जुड़ जाएंगे। ऐसा ही ऐसा है जहाँ के जिले में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हमें विशेष मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। वैसे 346 टेस्ट करा था, उसमें 10-11 टेस्ट किए थे, 11 टेस्ट नेगेटिव आए थे। उसके आरोग्य सेतु 6505 हैं, डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और एम्बुलेंस के भी कई लोगों को हम लोगों ने इसे डाउनलोड कराया है। सर, हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स बड़ी खुशी से डीएम सर के अनुरोध पर एक बैठक हुई थी। डीएम सर के अनुरोध पर हमारे 84 ऐसे डॉक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी हैं जो टेली मेडिसिन की सेवाएं मरीजों को दे रहे हैं, जिससे कि उन्हें छोटे मोटे शिकायत के लिए दवाई खत्म हो गई है, दवाई आगे बढ़ानी है, इसके लिए आना ना पड़े। लॉजिस्टिक्स की सर कुछ समस्या है, वो आपके संज्ञान में भी है, जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में भी है। जिलाधिकारी महोदय ने उसकी व्यवस्था करने के लिए पूरी तौर पे तैयारी कर ली है और बहुत जल्दी हमारी जो लॉजिस्टिक की थोड़ी बहुत समस्या है वो मिल जाएगी। कमिश्नर सर के प्रयास से बीच बीच में हमें मीडियम जो हमारा वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है जिसमें हम टेस्ट करते हैं, वो और पीपीई किट, N95 मास्क, जो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमें कॉरपोरेशन से मिलती रहती हैं। सर, हम लोगों ने, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोगों ने कोविड-1 फैसिलिटी चलेगा में 30 बेड की बनाई है। मैं इसके थोड़ा सा डिटेल करना चाह रहा हूँ कि हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स को भी इस बारे में जानकारी मिल जाए। कोविड-1 हमारे चलेगा में एक सीएससी है, उसको हमने बनाया है। कोविड-1 का मतलब होता है वहाँ हम पॉजिटिव केसेस रखेंगे। एक बार पॉजिटिव आ गया मरीज तो हम उसे कोविड-1 फैसिलिटी पे ले जाएंगे। वहाँ भी दो तरह की व्यवस्था है, जो लोग माइल्ड सिम्टम्स के हैं उन्हें हम वहाँ रखेंगे और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं उनके लिए कोविड-1 अटैच फैसिलिटी हम लोगों ने बनाई है 100 बेड की, जो हमारे यहाँ प्राप्ति नगर में स्कॉस कॉलेज में बना है, जिसमें 100 बेड की हमारी कैपेसिटी है। हमारा लेवल 1 हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 23 बेड का है और हम अटैच फैसिलिटी के रूप में 200 बेड
रेलवे हॉस्पिटल को भी शासन ने दिया है। हम लोगों ने रेलवे अधिकारियों से डॉक्टरों से बात करके उसकी पूरी व्यवस्था कर ली है, वहाँ 200 लोगों को हम कर सकते हैं। हमारी 19 डेडिकेटेड एम्बुलेंसेस केवल कोविड पॉजिटिव या कोविड सस्पेक्ट पेशेंट्स को लाने ले जाने के लिए सरकारी तंत्र में मौजूद हैं, और 2 ALS जो पॉजिटिव सीरियस केसेस को लेवल 2 फैसिलिटी या लेवल 3 फैसिलिटी पर ले जाने के लिए चुनी हैं। लेवल 2 फैसिलिटी का मतलब हुआ जब जहां स्पेशलिस्ट हो और वेंटिलेटर की फैसिलिटी हो, लेवल 3 के डॉक्टर्स के साथ साथ भी घोषित हो गया है। कितना खतरनाक है, इसे कैसे लड़ना है, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है। प्राइवेट डॉक्टर्स लगभग सभी के यहाँ से एक दो दो तीन तीन लोग ट्रेन हो चुके हैं। हमारी गुजारिश ये है कि आप अपने फोर्थ क्लास को, स्टाफ नर्सेस को, LTs को जो आपके नर्सिंग होम्स में काम कर रहे हैं, उनको अवश्य अपने से ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि उनको यहाँ भेजें तो आपके स्टाफ का समय बर्बाद होगा। आप दो तीन लोग अगर ट्रेन हो गए हैं तो सारे लोगों को ट्रेनिंग दे दें। आपको पूरा एक मिलेटर नेटवर्क में हम काम करेंगे, आपको भी सुविधा रहेगा।
ताकि वो दोनों में पुलिस भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, क्योंकि जबलपुर से मिले क्या चाह रहे हैं। और ये वो कार्य हैं जो डॉक्टर साहब कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटी में काम कर रहे हैं और फिर उसको जो है रख दिया कैसे करके दिया। सो एम्स और आईसीएमआर वेबसाइट पर भी डिपेंड करें, सारे स्टेट गवर्नमेंट के स्वास्थ्य विभाग के जो भी नीति निर्देशना आ रहे हैं वो सारे वहीं से इमर्ज होकर आ रहे हैं, क्योंकि ये फाइट है। इसमें आईसीएमआर का जो टेक्निकल टूल है और जो उनके विशेषज्ञ हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अलावा, इसलिए उनकी वेबसाइट पर आप जरूर देखते रहें ताकि जो डॉक्टर साहब ने कहा है वो आप अपने ट्रेनिंग सेशन में भी बताते रहें।